पता नहीं, मेरे ख्याल से जितनी वुमेन सेंट्रिक सिनेमा है लोगों ने पसंद किया, उसे सराहा, पसंद किया है, और मुझे अच्छा लगता है एज अ फिल्म मेकर अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टॉपिक भी बनाने, और ख़ास करके महिला प्रधान फिल्म, मुझे लगता है कि ऐसे हमारे देश में सोसाइटी में ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे मुझे लगता है कि महिला ज़्यादा जस्टिफाई कर पाती है उस कैरेक्टर को या उस फील्ड को, तो इसलिए मैं उस तरह की फिल्में बनाता हूँ। राइट नाउ ऑल आवर विशेस आर फॉर हर बर्थडे व्हिच हैपेंस टू बी द रिलीज डेट ऑफ आवर फिल्म ऑन द 21st, सो आवर बेस्ट विशेस आर विद हर एंड विद आवरसेल्व्स फॉर दैट। दौर जो है आते रहते हैं और जाते रहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है, चेंज होता रहे तो वो बेटर है। यू नो इट्स वेरी नाइस के किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ, दैट एवरी एक्टर वॉन्ट्स अ गुड रोल, वेदर इट इज़ अ फीमेल एक्टर और अ मेल एक्टर, उनको अच्छे रोल से मतलब है। आप ट्रेंड में ट्रेंड को ला के दें या ट्रेंड को ना ला के दें, एक एक्टर हमेशा एक अच्छे रोल के लिए इंतजार करता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर पावरफुल हो चुका है, और मैंने नोटिस किया कि अगर आप डेडी पिक्चर देखो विद जो आप किसी से भी पूछेंगे, विद्या बालन रियली पुल्ड इट ऑफ। अभी राजस्त्री आई, उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, यू हैव इमरान एंड यू आल्सो हैव बिपाशा प्लेइंग अ पिवोटल रोल, एंड हीरोइन की जो पिक्चर आ रही है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज करीना इज अ फैबुलस एक्ट्रेस एक्टर एंड आई एम फीलिंग दैट शी इज रियली गोइंग टू पुल इन अ बिग सरप्राइज। उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट हीरोइन ओरिएंटेड रोल्स भी लिखे जा रहे हैं, एंड दैट स्पीक्स वेल फॉर द इंडस्ट्री। माई फेवरेट हीरोइन इज करीना कपूर। अ हीरोइन इज अ फिल्म विच इज क्लोज टू बोथ ऑफ अस। इट हैज़ द मैक्सिमम कॉस्ट्यूम्स, 120 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड सो एंड फॉर मी शी इज, आई हैव सीन अ, यू नो, आई बीन वर्किंग विद करिश्मा सिंस 22 ईयर्स, and with Kareena ever since she started, so it's a long journey. I think bahut hi bada compliment hai ki HT has invited us here for this panel discussion. Humne kahin na kahin kuch to difference kiya hai industry mein, mehnat ka phal mila hai, so it's wonderful to be here today. I think definitely hum log ko invite kiya hai Hindustan Times ne, bahut badi baat hai is discussion ke liye जो अभी होने वाला है, एंड करिश्मा जी साथ में है, शर्मिला जी साथ में है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए कि तीनों हीरोइन साथ में होंगी, तो मुझे बहुत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। नॉट आई मीन आई थिंक बहुत ही जस्ट एक्साइटेड एंड वॉन्ट द फिल्म टू डू रियली वेल। मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस ये फिल्म देखें एंड कुछ अलग करने की कोशिश की है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एवरीबडी नोज मी एज गीत फ्रॉम जब भी मैं 10th इडियट्स, वो बब्बी कैरेक्टर पहली बार कुछ, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, स्लाइटली ग्रे है, बट एक्टिंग में दिलचस्पी है, तो आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट रोल्स। आई थिंक हीरोइंस हैव ऑलवेज हैड देयर चार्म ओवर द ईयर्स, वाई ओनली नाउ? आई थिंक एवरी डेकेड, एवरी जनरेशन, दे हैव बीन वेरी स्पेशल एक्ट्रेसेस हु हैव टेकन सिनेमा फॉरवर्ड, and I think it's a great honor and pleasure that Hindustan Times has invited us here for this panel discussion and chosen us, for me generation, to be here.